एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, कल रात को आपको सबको पता होगा हम लोग लाइव गए थे फ्रॉम 11:55 टू 2:30 इन द मॉर्निंग। तभी फ्रेंड्स लाइव में भी बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि क्या बजरंगी भाईजान चाइना में रिलीज हो रही है नहीं हो रही। तो गाइस, जब चाइना के सामान लोग की गारंटी नहीं रहती, उनका टॉय, उनका ट्रांजिस्टर 2 दिन चलता है, 2 दिन बंद हो जाता है, तो क्या आपको लगता है वहां की वेबसाइट्स इतनी रिलायबल है कि उनकी बातें सुनकर हम लोग यहाँ पे इंडिया में डिक्लेयर कर देंगे फिल्म रिलीज होने वाली है? सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन, SKF, किसी को कोई नॉलेज भी नहीं कि वहां फिल्म रिलीज हो रही है नहीं। बस एक पोस्टर आ गया है कि ओके 2 मार्च 2018 को फिल्म रिलीज होने वाली है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों ये सोर्स की खबर रिलायबल नहीं है और हमको अभी रुकना चाहिए जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती। मुझे पता है डेट आ चुकी है, फिल्म रिलीज होगी तो आई बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। लेकिन गाइज, इतना जल्दी कंक्लूजन में जंप करना अच्छी बात नहीं। वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है? सो फ्रेंड्स, गैविन फेंग, यस फ्रेंड्स, गैविन फेंग वही महिला है जिसने इंडिया में पहली बार ये खबर ब्रेक की थी कि सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान रिलीज होने वाली है चाइना में। यस फ्रेंड्स, गैविन फेंग एक चाइनीज फिल्म मार्केट ट्रैकर है, आप उनको ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे पूछते हैं सर क्या कलेक्शन है क्या नहीं है, तो यही वो महिला है जो हमको कलेक्शन देने वाली है वहाँ से चाइना में लाके। कोई आसमानी परिंदा हमको कलेक्शन नहीं बताएगा और कोई भी इन्फॉर्मेशन लाके नहीं दे सकता चाइना से। यही बंदी है जो हमको कलेक्शन बताती रहती है गाइस चाइना के, और वो सब लोग से बात करती है। जो भी आप लोग फैंस, जैसे सौरभ करके कोई चैनल वाला नहीं है, बस आशीष, जितने भी हमारे इंडियन भाई लोग हैं इनसे पूछते और जवाब देती है गाइस। तो फ्रेंड्स, यही थी जिसने पहली बार खबर ब्रेक की थी कि बजरंगी भाईजान चाइना में रिलीज होने वाली है ऑन मार्च 2। 10 घंटे पहले की न्यूज़ है, अभी सुबह के 8 बज रहे गाइज। सोनू ने रात को 10 बजे ये अपडेट दी थी, आप लोग खुद जाकर ट्विटर पर चेक कर सकते हो। द फर्स्ट पर्सन टू गिव द अपडेट ऑन बजरंगी भाईजान रिलीज वॉज गैविन फेंग ट्विटर पे, और गाइज उन्होंने कहा था कि फिल्म 2 मार्च 2018 को रिलीज होगी। लेकिन फ्रेंड्स, क्या ये सच है या नहीं? क्योंकि गाइज चाइना में फिल्मों की रिलीज आती रहती है जाती रहती है, उनका कोई भरोसा नहीं। इसका सबूत अब मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। सो गाइज, अभी हम लोग आ गए हैं मायोयान। यस फ्रेंड्स, मायोयान यही वो वेबसाइट है जहां से आपको सारी चाइनीज फिल्मों की इंफॉर्मेशन मिलती है, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है मैं या कोई और, वो यहीं पे देख के देगा, ठीक है? तो गाइस, मायोयान इज़ द गो टू वेबसाइट। जैसे यहाँ पे इंडिया में कोई मूवी है, बॉलीवुड हंगामा है, वहाँ पे मायोयान करके वेबसाइट है। ओके, मैं किसी चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हो, सीक्रेट सुपरस्टार का यहाँ पेज खुला है। ओके, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। लुक एट दिस गाइस, सीक्रेट सुपरस्टार वहाँ पे रिलीज होने वाली है ये वीक, यानी कि 19 जनवरी को। उसकी स्टारकास्ट दी हुई है नीचे, जैसे देख सकते हो गाइस, पूरी स्टारकास्ट के बारे में बताया गया है हमें। ओके, उसके बाद गाइस नीचे आपको असली मसाला दिखने वाला है रिव्यूज के नीचे। ये क्या है भाई, आगे ये देखो गाइस, अभी मेन मसाला, व्हाट द हेल इज दिस ब्रो। गाइस, सुल्तान, आर यू किडिंग मी ब्रो? चलो क्लिक करके देखते, ठीक है? सुल्तान यहाँ पे क्या कर रही है मेरे भाई? तो गाइज, ऐसे देख सकते हो यहाँ पे सुल्तान को भी दिया हुआ है कि वो मार्च में रिलीज होगी 2018 को। गाइज लुक एट दिस डेट, मंथ ऑफ मार्च 2018। और गाइज, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अभी बजरंगी भाईजान के रिलीज होने के बाद नेक्स्ट नंबर लाइन में बाहुबली 2 है जो रिलीज होगी वहाँ पे। ओके, तो गाइज ये वेबसाइट जो भी यहाँ से आप न्यूज़ लेते हो, कोई ऑफिशियल वेबसाइट्स नहीं है। वो बंदी ने भी जो कंफर्म किया है कि फिल्म रिलीज होने वाली है चाइना में, गाइस जब तक आप प्रोडक्शन हाउस से नहीं सुन लो कि यू नो कोई फिल्म रिलीज होने वाली है नहीं रिलीज होने, तो प्लीज यकीन मत करो। इस चाइनीज वेबसाइट पर सबसे बड़ा जोक देखो, अली जफर अली फिल्म का हीरो अली जफर भी है, और इस फिल्म में ये बंदी भी है, उर्वशी रौतेला। कैन यू बिलीव दिस? इसको क्लिक करेंगे तो उर्वशी रौतेला आती है। सुल्तान में उर्वशी रौतेला कहाँ थी? ये देखो, उर्वशी रौतेला चाइनीज में उसका नाम लिखा हुआ है। तो गाइस, ये सब वेबसाइट्स कोई यकीन करने वाली नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बजरंगी भाईजान रिलीज़ होगी नहीं होगी मार्च में, ठीक है, हो सकती है नहीं हो सकती, लेकिन गाइस प्लीज़ वेट फॉर द ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स जो आपको बताएंगे कि फिल्म रिलीज़ होगी या नहीं रिलीज होगी। हम बजरंगी भाईजान के अकाउंट पर जाते हैं गाइस, ठीक है? यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 2018 गाइस, यहाँ पर डेट भी मेंशन नहीं है। ओके, अभी आप बोलोगे यार ये वेबसाइट को अपडेट नहीं किया गया, तो गाइज अभी रुक जाओ, जैसे SKF से कंफर्मेशन आएगा सलमान खान फिल्म से, तब आपको पता चलेगा। ओके गाइज, डोंट जंप द गन,
मैं जानता हूँ आप लोग बहुत एक्साइटेड हो फिल्म रिलीज होने के लिए। ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है अतुल श्रीवास्तव, सीनियर शर्मा, प्रकाश, ये सबकी स्टार कास्ट के बारे में दी गई है यहाँ पे सब बातें गाइस। ओके और यहाँ पे शाहिदा की माँ भी है, इमरान हाशमी है फिल्म में। कैन यू बिलीव दिस, इमरान हाशमी बजरंगी भाईजान में, इससे बड़ा जोक देखा कभी? तो गाइस कंफर्म नहीं है अभी कुछ भी, जैसे कंफर्मेशन आएगी मैं आपको दूंगा। टिल नाउ ये बस रूमर्स है, पोस्टर आ गया है, लेकिन जब तक SKF अनाउंस नहीं करता आप लोग प्लीज होल्ड योर गन्स। ओके गाइस आपने देखा अभी तक तो कुछ भी कंफर्म नहीं है, जब तक आप प्रोडक्शन हाउस से नहीं सुनो बात, खुद प्रोडक्शन हाउस नहीं बोले, या फिर हमारे बड़े ट्रेड एनालिस्ट लोग कंफर्म नहीं करे, या मैं कंफर्म नहीं करूं, आप लोग प्लीज खुशी मनाओ। मैं नहीं बोल रहा हूं मत मनाओ, जस्ट वेट, लेट द ऑफिशियल कंफर्मेशन कम। इवन आई एम श्योर इट्स गोना रिलीज ऑन मार्च। लेकिन बाजू में देखा सुल्तान का तमाशा, उसमें उर्वशी रौतेला को भी लगा दिया, बजरंगी भाईजान में तो इमरान हाशमी है। तो गाइज जस्ट वेट, मुझे पता है मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और एक और बात, बजरंगी भाईजान जब रिलीज होगी चाइना में, तब तो वो दंगल के रिकॉर्ड को टच करेगी, इतना मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब तक मैं इतना कंफर्म कर सकता हूँ और कुछ नहीं गाइज। सो एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मियां मरन साई साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से Stay cool, man.